अस्सलाम वालेकुम। एडसेंस आर्बिट्राज फ्री कोर्स, ये हज़ारों डॉलर्स का कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए अगर आपने इस फर्स्ट पार्ट को स्किप किया है तो प्यारे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सिंपल इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। इसमें वन बाय वन सारे पार्ट्स अवेलेबल है। नाउ इस एडसेंस आर्बिट्राज के लिए मैंने इस ब्लॉग पर एक सेटअप किया है। ये एक इंतहाई इजी मेथड है। आप जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखो। यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक क्विज क्रिएट किया है, क्रिकेट क्विज चैलेंज। इसी तरह एक क्विज आपको भी क्रिएट करना है। एंड देन इस क्विज को हम मल्टीपल माइक्रो टास्क साइट पर लिस्ट करेंगे। वहां से आपकी ब्लॉग पर, आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिकली लोग आएंगे एंड आपकी इस क्विज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं इस क्विज को विजिट करता हूं। मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि वीडियो आप लास्ट तक देखो, तभी आपको समझ आएगी कि ये काम क्या है और कैसे आप कर सकते हो और आपको कितना प्रॉफिट होगा। नाउ क्विज को मैंने विजिट किया। यहां पर आप देख सकते हो एडसेंस की एड्स लगे हुए हैं। इसी तरह से आपने भी उसी साइट पर सेटअप करना है जो एडसेंस से अप्रूव्ड है, जिस पर एडसेंस की एड्स लगे हैं। क्योंकि क्विज के अंदर आप एड्स लगाओगे, जब डिफरेंट मल्टीपल माइक्रो टास्क साइट से आपकी वेबसाइट पर लोग आएंगे तो उन लोगों को आप पेमेंट करोगे, उनको आप कुछ अमाउंट दोगे, वो आपकी क्विज पर आएंगे और आपकी क्विज को कंप्लीट करेंगे। नाउ यहां पर आपको सेटअप कैसे करना है आप इसको पहले समझो। और भाई अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि ये हजारों डॉलर्स का कोर्स आपको फ्री में दे रहा हूं मैं। यहां पर ये क्विज मैंने क्रिएट किया है क्रिकेट पर। आप किसी भी टॉपिक पर क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेट पर करो, आप कोई भी टॉपिक पकड़ सकते हो। मैंने क्रिकेट पर किया है और इस क्विज रिलेटेड मैंने यहां पर थोड़ा सा इनपुट दिया है, इंट्रो या आप इसको कह सकते हो। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। नाउ ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो क्विज क्रिएट किया है, ये मैंने एक अलग सा सिस्टम किया है, डिफरेंट सिस्टम मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब जब माइक्रो निश साइट से, माइक्रो टास्क साइट से आपकी ब्लॉग पर, आपकी इस क्विज पर, मान के चलो कि मैंने इस क्विज पर विजिट किया और अब मैं इस क्विज को कंप्लीट करना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे कंप्लीट करूंगा। अब यहां पर आप देखो, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, हु इज नंबर वन ओडीआई प्लेयर, और यहां पर चार ऑप्शंस है। अब अगर मैं यहां पर रॉन्ग आंसर पर क्लिक करता हूं, अगर मैं रॉन्ग ऑप्शन आंसर पर क्लिक करता हूं, जैसे कि मैं यहां पर क्लिक कर भी देता हूं, ये मुझे पता है कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो ये जो क्विज है ना, ये ऑटोमेटिकली मेरे होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने रॉन्ग आंसर पर क्लिक किया तो ये रिडायरेक्ट हो गया मेरे होम पेज पर। और क्योंकि मेरे होम पेज पर भी यहां पर एडसेंस की एड्स लगे हुए हैं, तो यहां पर मुझे इंप्रेशन और पेज व्यूज मुझे मिल गया। और अगर कोई क्लिक करता है तो वो एक अलग बात है, उससे मुझे अर्निंग भी हो जाएगी। ये कंप्लीट प्लस माइनस मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और क्विज कैसे क्रिएट करना है ये पूरा सेटअप इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। मैं बेक जाता हूं अगेन, अगर कोई राइट आंसर के ऊपर क्लिक करता है, करेक्ट आंसर के ऊपर क्लिक करता है, यहां पर जो इस टाइम राइट आंसर है वो है ये वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है जी। अब ये जस्ट मैंने क्विज क्रिकेट पर क्रिएट किया है भाई, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए कमेंट्स में, ये नहीं आ ये मेरे पास ये कमेंट्स नहीं आने चाहिए कि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। राइट आंसर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं यहां पर, जो कि ये फर्स्ट वाला है। अब जैसे ही मैंने राइट क्वेश्चन पर आंसर पर क्लिक किया तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाएगा, ये जो पेज है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाएगा। ये देखिए अब मेरे पास, मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो कि है हु इज नंबर वन T20 प्लेयर। तो यहां पर भी अगर मैं रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये अगेन होम पेज पर जाएगा, और अगर मैं राइट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूं, राइट क्वेश्चन ये वाला है सूर्य कुमार यादव, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाएगा। इसी तरह से आप एक क्विज के अंदर मिनिमम 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या जितने क्वेश्चंस आप ऐड करना चाहो वो आप इजीली कर सकते हो। अब यहां पर हम थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं। मान के चले कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आ रही होगी, मैंने पार्ट वन के अंदर समझाया था, जो माइक्रो टास्क साइट होते हैं ना, ये एक ऑनलाइन अर्निंग साइट्स होते हैं इजी, ठीक है। वहां पे आपको छोटे छोटे टास्क मिलते हैं, जैसे ये क्विज वाला टास्क हो गया, इसके अलावा कोई आपको टास्क देगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई आपको कहेगा कि आप मेरे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, डिफरेंट टाइप के टास्क होते हैं एंड लोग इन इजी टास्क को कंप्लीट करके पैसे कमाते हैं। तो अब वहां पे मान के चले कि आप एक बंदे को दे रहे हो 0.02 डॉलर, ठीक है। आप ये एक बंदे को दे रहे हो कि भाई ये डॉलर्स आप रख लो और आप मेरे वेबसाइट पर गूगल के थ्रू आओ, ऑर्गेनिकली आओ मेरे वेबसाइट पर गूगल के थ्रू,
और इस क्विज को कंप्लीट करो। इस क्विज के अंदर 10 या 5 क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और लास्ट के अंदर आपको मैं कोड प्रोवाइड करूंगा। उस कोड का भी अभी हम सेटअप कर देंगे। वो कोड आपने मुझे एज अ वेरिफिकेशन सेंड करना है, ठीक है? उस कोड से आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने आपका जो क्विज है वो कंप्लीट किया है या नहीं। अगर उसने कंप्लीट किया है तो आप उसको अप्रूव कर दोगे और आपके अकाउंट से $0.02 कट जाएंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान के चले आपने पर डे आपको 1,000 विजिटर्स चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि 1,000 लोग आए और मेरे क्विज को कंप्लीट करें। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा, आपको डरना नहीं है भाई। अगर आप बिगनर हो, आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, तो आप $5-$10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इतनी हाई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। मान के चले 1,000 विजिटर्स आपको चाहिए तो आपको $20 देने पड़ेंगे, ठीक है? आप $0.02 दे रहे हो, 1,000 बंदे आपकी क्विज को कंप्लीट करेंगे और आपको $20 देने होंगे। अब $20 आपकी इन्वेस्टमेंट आई। अब ये जो 1,000 विजिटर्स आएंगे आपकी वेबसाइट से, इससे पेज व्यूज एडसेंस में कितने जनरेट होंगे, ठीक है? पेज व्यूज क्या होते हैं वो आप लोग जानते हो। एडसेंस में पेज व्यूज होते हैं और इंप्रेशंस होते हैं, ठीक है जी? तो पेज व्यूज कितने जनरेट होंगे उसके लिए यहां पर मैं आपको प्लस माइनस करके दिखा देता हूं। 1,000 विजिटर्स है। अब क्योंकि अगर आपकी क्विज के अंदर 5 क्वेश्चंस है तो वो 5 पेजेस विजिट करें, बट हो सकता है कि आपने बहुत मुश्किल क्विज बनाया है, तो अगर वो रॉन्ग आंसर के ऊपर क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पर, आपकी होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, या हो सकता है कि वो क्विज को बीच में ही छोड़कर भाग जाए, ठीक है? तो ये भी आपको एक प्रॉफिट होगा। मान के चले कि एक जो यूजर है ना वो 10 पेज व्यूज क्रिएट करता है, जनरेट करता है, ठीक है? तो 10 को आप मल्टीप्लाई करो, 10 से ज्यादा ही वो क्रिएट करेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं तो 10 पेज व्यूज तो ऑलरेडी हो गए। इसके अलावा अगर वो गलत क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता है, अगेन वही बात है, आप अपने दिमाग लड़ाओ और खुद सोचो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? तो 10,000 पेज व्यूज तो आपकी इजीली 1,000 विजिटर्स यानी कि $20 से आपको 10,000 पेज व्यूज आपको मिल जाएंगे। अब 10,000 पेज व्यूज में से मान के चले आपके 1,500 क्लिक्स आए हैं। अब आप कहोगे कि भाई 1,500 क्लिक्स कैसे आएंगे, तो आप क्विज के अंदर मैनुअली एड्स लगाओगे। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लगाना है, कहां पर लगाना है, एड्स का आप प्रॉपर सेटिंग कर दोगे तो कम से कम 1,500 क्लिक्स तो आपकी एड पर आएंगे ही आएंगे। और हाँ, ये डिफरेंट टाइप का कोर्स है, इसको मैं खुद करूंगा एंड देन आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा। आप जस्ट इस ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसको आप फॉलो करो। इस टॉपिक पर जितने भी वीडियोस बनेंगे वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, इसमें अवेलेबल है। अब यहां पे आपने $20 इन्वेस्ट किए थे, 1,500 आपके क्लिक्स आए हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करो। मान के चलो आपको $0.03 का सीपीसी मिल रहा है। सीपीसी हो सकता है आपको हाई मिल जाए, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आएगा, गूगल के थ्रू आएगा, तो जो लोग एक्सपर्ट है, पहले से मेरी तरह वो काम करते हैं, उनकी अर्निंग स्टार्ट है, तो वो लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना हाई क्वालिटी होता है और उससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। यहां पर मैंने ये लगा दिया और जस्ट मैं एडसेंस की बात कर रहा हूँ, इसके साथ आप सीपीएम एड्स भी यूज कर सकते हो, वो अर्निंग आपको अलग होगी, वो आपका अलग बचत होगा। तो अगर आप इसको देखते हो तो भाई ये देखिए $25, ये जस्ट हम पहले से प्लस माइनस कर रहे हैं, बाकी इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते प्यारे भाई। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये भी हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, $20 आपने इन्वेस्ट किया, हो सकता है रिटर्न में आपको $10 मिल जाए, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं भाई, बहुत सारा बेनिफिट्स है और वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब इसको क्लोज करते हैं, ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब ये क्विज आप कैसे क्रिएट करोगे, तो क्विज क्रिएट करने के लिए सिंपल मैं आता हूं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। ये आप सिर्फ वर्डप्रेस पर कर सकते हो। आपके पास अगर एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है तो आप अभी सेटअप कर दो। अगर आपके पास एडसेंस अप्रूव वेबसाइट नहीं है तो आप बाय कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्यारे भाई आप खुद एक ब्लॉग क्रिएट करो, उस पर काम करो, और काम करने के बाद जब वो गूगल से अप्रूव हो जाएगा, आप यकीन करें गूगल से अप्रूवल लेना बहुत ईजी है। इसके ऊपर मेरा एक कोर्स भी आ रहा है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ भाई। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी कोर्स सेलर है ना, आज तक आपने इस टाइप का कोर्स नहीं देखा होगा, मैं लाइव ही आपको दिखाऊंगा, एडसेंस से अप्रूवल लेके दिखाऊंगा, वो भी एक दो नहीं 4-5 वेबसाइट्स पर, ठीक है? तो वो करने के बाद भी जो है आप ये सेटअप कर सकते हैं। अब आपने वर्डप्रेस पर आना है। वर्डप्रेस पर आने के बाद आपको 2 प्लगइन्स चाहिए, ठीक है? आपके पास पहले से जो भी सेटअप है उसको आप वैसे ही रहने दो, ठीक है? आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आपका कंटेंट है, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को रखो। जस्ट आप 10-15 क्विज और ज्यादा ऐड करो, और ऐड करो टॉपिक आपका जो भी है, ठीक है? इसके लिए आपका ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि भाई क्या हमें क्विज रिलेटेड डोमेन लेना होगा, क्या पहले से उस पर क्विज, नहीं भाई ये सब नहीं चाहिए, आप चेंज कर सकते हो कॉन्टेंट को ईजिली। यहां पर आपको 2 प्लगइन्स चाहिए, फटाफट काम खत्म करते हैं। एक ये स्पेक्ट्रा, ये आपको चाहिए ये प्लगइन,
और दूसरा जो प्लगइन है वो है yes/no chat। ये दो प्लगइन्स आपको चाहिए। ये दो प्लगइन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे भाई, इस वेबसाइट पर आपको आना है, ठीक है जी। मैं लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि यार आप खुद आप लोग चेक करो, ये यूट्यूब का न्यू अपडेट आया है। लिंक्स आप जो भी लिंक ऐड करोगे किसी पेड प्लगइन का या किसी पेड थीम का भाई, आपकी वीडियो उड़ जाएगी और डायरेक्ट स्ट्राइक आएगा। तो उस वजह से भाई यहाँ पे आपने इस वेबसाइट पर आना है, डोमेन को नोट करो, और यहाँ पर आने के बाद इस वीडियो से पहले ही मैं यहाँ पर ये दोनों डिलीट करके यहाँ पर दो आर्टिकल्स या एक आर्टिकल के अंदर ये दोनों प्लगइन्स में एक आर्टिकल के अंदर ऐड कर दूंगा, या दो आर्टिकल जो भी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब इन आर्टिकल्स इन सॉरी इन प्लगइन्स का नाम यहाँ पे नोट कर लो, मैं नाम टाइटल के अंदर ऐड कर दूंगा तो आपके लिए ईजी होगा। ये दोनों प्लगइन्स आपको डाउनलोड करने हैं, और उसके बाद जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाएंगे जिप फाइल में, तो आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, प्लगइन्स के सेक्शन में आना है यहाँ पे, ठीक है, और ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपलोड प्लगइन पर क्लिक करना है। अपलोड प्लगइन पर क्लिक करने के बाद चूज फाइल एंड जहां पर आपने प्लगइन जिस फोल्डर के अंदर है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करो और उसके बाद एक्टिवेट कर दो। इसी तरह आपने दोनों प्लगइन्स को अपलोड करके इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। जब आपके दो प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, नेक्स्ट आपको आना है सेटिंग के सेक्शन में, राइटिंग में, ठीक है जी। और राइटिंग के सेक्शन में आने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग करना है, ये जो डिफॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूजर है इसको आप ब्लॉक एडिटर पर रख दो, या इसको ब्लॉक एडिटर पर रख दो, और अलाउ यूजर टू स्विच एडिटर्स इसको आप यस के ऊपर रख दो, यानी कि हम कभी भी अपने एडिटर्स को खुद ही स्विच कर सकते हैं ब्लॉक पर या क्लासिक पर। ये दो सेटिंग आपको इसी तरह से करना है और उसके बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर लो। उसके बाद अब आते हैं क्विज की तरफ। तो पहले आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्विज हम किस टॉपिक पर क्रिएट करेंगे, तो आप किसी भी टॉपिक पर क्रिएट कर सकते हो, एंड पार्ट 3 के अंदर आप समझ जाओगे कि आपको किस टॉपिक पर क्रिएट करना है। अभी आप ये समझो कि क्विज आप क्रिएट कैसे करोगे, पार्ट 3 के अंदर आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि मुझे किस टॉपिक पर क्रिएट करना है। अब आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है, ऐड न्यू पर, ठीक है जी। जब आपका स्पेक्ट्रा प्लगइन प्लस जो आपका दूसरा प्लगइन है yes/no वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहां पर आप देखें यहाँ पे आपका सेक्शन एक क्रिएट हो जाएगा और स्पेक्ट्रा का भाई यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा सेक्शन। तो ये दोनों जब क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद आपने ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करो, अगर आपका ऑटोमेटिकली ब्लॉक एडिटर में ओपन हो गया ये राइटिंग तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करो और यहाँ पे स्क्रॉल करके एडिटर को आप स्विच टू ब्लॉक एडिटर पर क्लिक कर दो। नाउ यहाँ पर आपको सबसे पहले क्विज का टाइटल देना है, तो मैं यहाँ पर क्विज का टाइटल दूंगा क्रिकेट क्विज चैलेंज। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि अगर मैं एक न्यू क्रिएट करूंगा तो उसमें जाहिर सी बात है मैं रिसर्च करूंगा और रिसर्च के बेस पर ही अपना क्विज यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो उसमें टाइम लगेगा। ये मैंने दे दिया यहाँ पर क्विज का नेम टाइटल। इस टाइटल को अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको हाइड भी कर सकते हो, अगर आपको ये अच्छा ना लगे बाद में प्रीव्यू आप करते जाओ, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको यहाँ पे हाइड कर सकते हो। इसको मैंने हाइड कर दिया और इसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी करता हूँ, ब्लॉक सेक्शन पर आता हूँ, यहां पर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं सर्च करता हूं हेडिंग। अब ये जो हेडिंग का ये एक टूल है या जो भी इसको कह सकते हो, ये स्पेक्ट्रा की वजह से, ये स्पेक्ट्रा के प्लगइन्स है सारे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इस एक्सटेंशन पर या जो भी है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पे हेडिंग आपको देना है। अगर आपने टाइटल को हाइड किया हुआ है तो फिर आप हेडिंग यहां पर इस तरह से दे सकते हो। अब ये जो ब्लॉग है इस ब्लॉग का सेटिंग यहां पर है, मैं इसको बीच पर लाता हूं, आप इसको हेडिंग 1 कर सकते हो। स्टाइल के सेक्शन में आकर आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, तो मैं इसका कलर यहाँ पे रेड रखता हूँ, ठीक है जी। और इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो बट मैं ऐसे ही रखूंगा। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट अगेन आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है इनपो बॉक्स, तो ये आपका इनपो बॉक्स आ गया। अब इस इनपो बॉक्स में अगर आपका क्विज क्रिकेट रिलेटेड है तो ये जो आपका फर्स्ट आपको यहां पर ये आइकन नजर आ रहा है ना, इस आइकन पर आप टैप करो तो यहां पर उसका सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब इस क्विज को यहाँ इस आइकन को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो मैं इसको इस तरह से चेंज करता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं आइकन को स्किप करके यहाँ पर इमेज के सेक्शन पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक इमेज लगाता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास लाइब्रेरी में जो भी जितने भी यहाँ पर है मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ, ये एक क्रिकेट रिलेटेड है तो मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। आप क्रिकेट रिलेटेड या बॉल का आप आइकन ले लेना इमेज, अब या किसी भी क्रिकेट रिलेटेड ही आपको लेना है जो भी जिस टॉपिक रिलेटेड है आपका, तो मैंने इसको ले लिया। अब उसके बाद इसका आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो और जो भी यहाँ पर आपको सेटअप करना है, यहाँ पे देखिए image/icon के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर इसका पूरा सेटअप आप कर सकते हो। आपको बिलो टाइटल करना है, लेफ्ट ऑफ द टाइटल करना है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर आप
कर सकते हो। उसके बाद इन्फो बॉक्स है, तो मैं इसको क्रिकेट क्विज का नाम दे देता हूँ। अगेन इसको यहां से कॉपी करता हूँ, चैलेंज को स्किप करके मैं यहां पर ये वाला नाम इसको दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया, अब इसको भी आप यहां पर इसकी भी सेटिंग कर सकते हो। मैं स्क्रोल करता हूँ, ये कंटेंट सेक्शन आ गया, इसको मैं हेडिंग टू करता हूँ या हेडिंग वन इस तरह से करता हूँ। ये मैंने इसको हेडिंग वन कर दिया। उसके बाद ये कॉल टू एक्शन अगर आप करना चाहे, लेकिन इसको आपने नहीं चेड़ना है, सॉरी, इसको आप ऐसे ही रख दो। और यहां पर आप प्रीसेट्स के अंदर इसका यहां पर ये चेंज कर सकते हो, इसका डिजाइन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हम यही डिजाइन रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद स्टाइल के सेक्शन पर आप जो है जनाब, यहाँ पर जो आपका आइकन है ना, या जो भी इमेज है, इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे ही आपको करना है। ये देखें, मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कर लेना, जैसे आपको बढ़िया लगे उस हिसाब से आप इसको कर दो। उसके बाद आपका टाइटल आता है, तो टाइटल का आप कलर क्या रखना चाहते हो, मैं ये कलर रखना चाहता हूँ। उसके बाद यार देखो, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं हो सकता है कि घटिया डिजाइन करूँ, आप अपने हिसाब से प्यारा डिजाइन कर सकते हो। अब ये मैंने मान के चले डिजाइन कर लिया, मैं इसको जरा विजिट करता हूं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि ये किस रिलेटेड है ये क्विज, वो मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। आप कैसे करोगे भाई, सिंपल, आप ChatGPT पर जाओ, वहां पर उसको बता दो क्रिकेट क्विज, तो वो आपको क्रिकेट क्विज रिलेटेड इंट्रो दे देगा। जैसे ये देखे, ये इन्होंने इंट्रो दिया हुआ है यहां पे, तो आप सिंपल ये जो इंट्रो है इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो यहां से। भाई ये कॉपी मैं यहाँ से नहीं कर सकता, मुझे पेज को विजिट करके ही यहाँ से कुछ लेना होगा, इसलिए मैं ये वाला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब ये क्विज रिलेटेड है, ये एक इंट्रो है, इस क्विज रिलेटेड ये इंट्रो मैंने दे दिया, इसको आप बोल्ड कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये देखिए डिस्क्रिप्शन जो है, इस डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, तो इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये मैंने इसका कलर रख दिया, ठीक है जी, ये इसका कलर हो गया। अब यहां पर इतना मैंने कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप यहां पर हो गया आपका कंप्लीट। अब इसको अपने हिसाब से इसके नीचे और भी चीजें लगा सकते हो, वो अब बाद में लगाएंगे। अब इसके अंदर अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं 5 क्वेश्चन का क्विज क्रिएट करना चाहता हूं, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 ऐड करेंगे। वो ऐड करने के लिए बेक आते हैं अपने वेबसाइट पर, और अब हम यहां पर यूज करेंगे yes/no प्लगइन का। अब उस प्लगइन का हम यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं अपने डैशबोर्ड पर आता हूं। डैशबोर्ड, ये काम मैंने पहले ही कर दिया क्योंकि ये जरूरी था पहले करना। उसके डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको सिंपल yes/no पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, एंड प्यारे भाई ये मेन सेटिंग है, इसलिए ध्यान से इसको देखो। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मेरे क्विज के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जब आप yes/no पर क्लिक कर लोगे, ये होता है क्वेश्चन सेट सेक्शन। तो आपने यहाँ पर 5 क्वेश्चन सेट क्रिएट करने हैं, तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पर मैं question 1 लिख देता हूँ, ठीक है जी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, एंड अपडेट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ऐड कर दिया, इसी तरह अगेन आपने question 2 करना है, अपडेट पर क्लिक करना है, इसी तरह आपने 1 by 1 जितने आप क्रिएट करना चाहो, मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, आप अगर 10 करना चाहते हो, 15 करना चाहते हो, 20 करना चाहते हो, या 5 करना चाहते हो, आपका आप क्विज के हिसाब से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, या आप अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन करूंगा, यानी मेरे क्विज के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे। मेरे 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 1 by 1 आपने एड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं question 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ question number, ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको स्किप, question number 1, तो ये आपका शो होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर आप कुछ और भी लिख सकते हो, ज्यादा स्पेस है आपके पास, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपका जो टाइटल होगा ना, मैं ये वाला टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से गूगल में जाके रिसर्च करो, क्विज, अदर क्विज देखो, और किसी भी क्विज को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको कौन सा रैंक करना है, आपको डायरेक्ट काम करना है, तो आप, या आप खुद भी बना सकते हो, वो बढ़िया रहेगा, आपका यूनिक काम बन जाएगा। तो ये मेरा टाइटल दे दिया। टाइटल कहाँ पे शो होगा, ये आपका टाइटल यहाँ पे शो होगा, आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे शो होगा, ठीक है जी। ये है डिस्क्रिप्शन और ये है टाइटल। अब ये दोनों चीजें देने के बाद नेक्स्ट आपका ये जो रिडायरेक्ट टू रिजल्ट वाला पेज है ना, ये मेन काम है, इसको अभी आपने ऐसे ही रखना है, ठीक है, इसको आप खाली रख दो और सिंपल ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दो। ये काम करने के बाद, ठीक है, जैसे आपका ऐड न्यू पर आप क्लिक कर दोगे, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं बैक अगेन आ जाता हूँ क्वेश्चन सेट के सेक्शन पर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पर मुझे कहना है कि इस क्वेश्चन, इस सेट आईडी के अंदर आपने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, अगेन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
अगेन आपने इसके अंदर एक और क्वेश्चन ऐड करना है, लेकिन वो क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पर आपने लिखना है होम पेज, ठीक है जी, ये मैंने होम पेज लिख दिया, इसको कॉपी करो एंड टाइटल के अंदर इसको पेस्ट कर दो, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिडायरेक्ट टू रिजल्ट, यहाँ पर आप स्लैश दो। अब ये स्लैश मैंने क्यों दिया आप समझ जाओगे, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था, लेकिन इसके ऊपर एड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये दोनों काम यहाँ पर मैंने दो इसके अंदर ऐड कर दिए, बेक आ जाता हूँ क्वेश्चन सेट के अंदर। अब अगेन इसी तरह से मैं जो बाकी दो है उस इसके अंदर भी मैं दो इसी तरह से ऐड करता हूँ, ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दे देता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है, क्यू टू, यहाँ पे टाइटल मैं ये वाला दे देता हूँ, रिजल्ट्स खाली रखता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी तरह अगर आप बेक नहीं जाना चाहते, जैसे देखिए मैं बेक नहीं जाऊंगा, और यहीं पर जैसे मैंने एक को ऐड कर दिया, ठीक है, आई थिंक ये ऐड हो गया या नहीं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्वेश्चन सेट के अंदर। ये मैं आपको इसीलिए मैं स्किप नहीं कर रहा, वीडियो आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप सीख सको, क्योंकि मुझे इसमें टाइम लगा था सीखने में, तो आपको भी जाहिर सी बात है लगेगा। अब यहाँ पर मैं उसी तरह से होम पेज वाला जो लिखा हुआ था वो दे देता हूँ, ये होम पेज मैंने दे दिया, और टाइटल ये वाला दे देता हूँ, यहाँ पर मैं स्लैश दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला आपने रियल देना है, और उसके बाद आपने सेकंड के अंदर स्लैश लगाना है। इसी तरह मैं अगेन बेक आ जाता हूँ क्वेश्चन सेट के अंदर, और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के अंदर देखिए दो दो यहाँ पे ऐड हो गए हैं, थर्ड वाले के अंदर भी मैं यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसको मैं सही से करता हूँ, क्वेश्चन थ्री लिखता हूँ, टाइटल में अपना जो, अब देखिए टाइटल आपने हर बार सेम नहीं देना है, आपका अलग अलग टाइटल होगा ना, एक क्वेश्चन का अलग टाइटल होगा, जैसे इसका ये वाला टाइटल है, दूसरे का दूसरा होगा, जैसे यहाँ पर ये वो इज नंबर वन ओडीआई प्लेयर, नेक्स्ट जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आपने हर बार जो क्विज है क्विज का आपने क्वेश्चन चेंज करना है, ठीक है। अब ये मैंने दे दिया, और इसको मैं खाली स्पेस खाली रख दूंगा, और ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, अब मैं बेक नहीं जाऊंगा, अगेन यहीं पर मैं दूसरा वाला भी क्रिएट कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको होम पेज का नाम दे देता हूँ, और टाइटल में इसको होम पेज दे देता हूँ, और ये मैंने दे दिया। तो उसके बाद दो दो यहाँ पर मेरे तीन क्वेश्चन के अंदर, तीन आईडी सेट के अंदर मैंने तीन क्वेश्चन ऐड कर दिए। मैं यहाँ पर बेक आ जाता हूँ, क्वेश्चन सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, देखिए दो क्वेश्चन एंड दो क्वेश्चन, ठीक है जी, यहाँ पे हो गया डन। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने आना है क्वेश्चन के सेक्शन पर। क्वेश्चन के सेक्शन पर आने के बाद अब यहां पर आपने आपको यहां पे दिखेगा सेलेक्ट क्वेश्चन सेट, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये देखिए मैं क्वेश्चन के सेक्शन में हूं, अब यहां पर आपने सबसे पहले क्वेश्चन वन को एडिट करना है, तो क्वेश्चन वन को आप सेलेक्ट करो, क्योंकि हम स्टार्ट क्वेश्चन वन से लेंगे। तो क्वेश्चन वन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास दो क्वेश्चन शो कर रहे हैं, एक होम पेज वाला है और एक है क्वेश्चन नंबर वन। होम पेज वाले को आपने हर बार इग्नोर करना है, क्योंकि इसका काम डन हो गया है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, आपने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऑलरेडी डन है। अब यहाँ पर मैं चॉइस दूंगा, ठीक है। चॉइस में क्या होता है यहाँ पर, यह देखिए नॉर्मल बात होती है, क्विज के अंदर चार ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, वहां पे मैंने रॉन्ग आंसर के ऊपर क्लिक किया था, तो मैं यहाँ पे होम पेज के अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, बेक जाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर टू है, इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं। अब नॉर्मली क्विज के अंदर चार ऑप्शन होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चार ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ। अब चार ऑप्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर वो इज नंबर वन ओडीआई, मान के चले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन गलत रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही मतलब ऑलरेडी है इस बाबर आजम नंबर वन ओडीआई प्लेयर, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, बेसिक इंग्लिश में है, आप इसको थोड़ा सा और मुश्किल कर सकते हो। तो ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो इज नंबर वन, ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो इज नंबर वन ओडीआई प्लेयर, ऑलरेडी आ जाएगा, ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन है मान के चले, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैं चेंज ही कर देता हूँ, आप बाद में इसको चेंज भी यहाँ पर कर सकते हो। ये मैंने दे दिया, अब इसका मैं यहाँ पर चार ऑप्शंस दूंगा, चॉइस दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया इसी तरह से आप भी कर सकते हो, भाई गूगल से ही आप डेटा ले सकते हो, तो गूगल मुझे बता देगा कि भाई टॉप पर कौन है, टॉप पर बाबर आजम है, बट मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पहले मैं जो इसको ले लेता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने ले लिया, इसको भी मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, और थर्ड वाला भी यही दे देता हूँ, और एक वाला जो है मैं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी, जो नंबर वन ओडीआई प्लेयर है। अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इसके अंदर जो आ गया है इसको मैं ज़रा स्किप कर लेता हूँ, ये मेरे पास चार ऑप्शन आ चुके हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब
यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया था कि अगर कोई रॉन्ग आंसर के ऊपर क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट के होम पेज पर आएगा, और जो राइट आंसर के ऊपर क्लिक करेगा वो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपको पता है कि राइट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आपको पता लगाना है कि राइट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्विज आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको पता है कि राइट क्वेश्चन कौन सा है। तो मुझे पता है कि ये राइट क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं पॉइंट करूंगा, राइट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पॉइंट करूंगा क्वेश्चन नंबर वन में, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कर लिया, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर वन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको समझा दूंगा, यानी कि जब कोई इस बाबर आजम के ऊपर क्लिक करेगा जो राइट आंसर है, तो यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। वो मैं कैसे करूंगा बाद में आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये तीनों रॉन्ग आंसर्स है, तो तीनों रॉन्ग को मैं क्या करता हूँ, होम पेज पर रिडायरेक्ट करता हूँ। ये देखिए तीनों को मैंने होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया। फर्स्ट वाले को मैंने क्वेश्चन नंबर वन सिलेक्ट कर दिया, और बाकी तीनों को मैंने यहाँ पर वन 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 जो होम पेज है उसके अंदर मैंने इनको पॉइंट कर दिया। अगर कोई रॉन्ग के ऊपर क्लिक करेगा तो वो होम पेज पर जाएगा, अगर कोई बाबर आजम के ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्वेश्चन नंबर वन, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर हम सेट करेंगे वहां पे जाएगा। मैं इसको अपडेट करता हूँ पहले से ही। अपडेट करने के बाद अब ये मैंने अपडेट कर दिया, यानी कि मैंने पहले क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गया है, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेक आ जाता हूँ क्वेश्चन सेट की तरफ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन सेट की तरफ। क्वेश्चन सेट की तरफ आने के बाद मेरा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये रेडी है, फुल्ली रेडी है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है वो बाद में करेंगे रिडायरेक्शन, अभी के लिए रेडी है। तो मैं इसका ये जो शॉर्ट कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉर्ट कोड, ये शॉर्ट कोड आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको इसको पेस्ट कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसको नहीं करना चाहते, डिफरेंट ऑप्शन भी है, बट ये वाला इजी है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब ये करने के बाद नेक्स्ट जो है, नीचे आप इस क्विज के बारे में और ज्यादा लिख सकते हो, ओडीआई क्रिकेट कैसे हैं, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वो आप चैट जीपीटी से थोड़ा सा कंटेंट लो और नीचे ऐड कर दो, और इसके अंदर आप मैनुअल एड्स भी लगा सकते हो, जो कि पार्ट थ्री के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब इसके अंदर रिव्यूज भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर रिव्यू लिखता हूँ तो ये देखिए रिव्यूज यहाँ पे आ जाएंगे, भाई इसको रिव्यू यहाँ पे लगा सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, और सिंपल मैं यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर वन यानी कि फर्स्ट आर्टिकल मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको जरा विजिट करके आपको दिखा देता हूँ, सिंपल मैं विजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। और विजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख पाओगे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर रेडी है। अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आंसर के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं ये शुभमन गिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें ये मेरे वेबसाइट के होम पेज पर जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि इसको मैंने फाइंड किया हुआ है, ये देखिए वेबसाइट के होम पेज पर चला गया। अगर मैं राइट क्वेश्चन के ऊपर करता हूँ तो राइट क्वेश्चन को आपने नोट किया होगा, अभी तक मैं हमने इसको डायरेक्शन नहीं दी है, अभी तक हमने ये पॉइंट नहीं किया है कि राइट क्वेश्चन के ऊपर अगर कोई क्लिक करता है इस तरह से तो वो कहाँ पे जाएगा। ये देखिए कहीं पे नहीं जा रहा, यहीं पर आ रहा है बैक में, इसी क्वेश्चन पर आ रहा है, बैक जाएगा तो फिर उसी उसी क्वेश्चन पर आएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक न्यू पेज हमने क्रिएट करना है, मतलब न्यू पोस्ट हमने क्रिएट करना है। मैं यहाँ ही सही कर लेता हूँ, एक आर्टिकल तो आपका क्रिएट हो गया, एक जो क्वेश्चन है क्विज है वो जो क्विज का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका क्रिएट हो गया। अभी मैं दूसरा पेज क्रिएट कर लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है जी। अगर पांच क्वेश्चन है तो आप पांच आर्टिकल्स पब्लिश करोगे, 10 क्वेश्चन है तो 10 क्रिएट करोगे। अब यहाँ पर मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, और सेकेंड क्वेश्चन का मान के चले कि मेरा यहाँ पे टाइटल है वो इज नंबर वन टेस्ट प्लेयर, ठीक है जी, मान के चले ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पे टाइटल है या क्वेश्चन है मेरा सेकेंड। यहाँ पे मैं इसको ऑटो ड्रॉप है या जो भी है या इसका नाम आप दे दें, फिर जाके आप इसको हाइड कर दें, और उसके बाद आपको उसी तरह से यहाँ पे ये सॉरी इनपुट बॉक्स मैंने पहले ही दे दिया, ठीक है, मैं इसको पहले ही दे देता हूँ, आप सेम उसी तरह से सेम आपने वैसे ही फॉलो करना है। यहाँ पर आप उस आइकन को सिलेक्ट करो, नीचे उससे रिलेटेड थोड़ा सा डेटा दो, और डेटा देने के बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि इनपुट बॉक्स के अंदर आपने जो क्वेश्चन देना है वो ये वाला देना है। अब आपने हर बार वो वाला नहीं देना, आपने अलग अलग करना है, आप समझ चुके होंगे, जैसे आपने फर्स्ट वाला किया था, अब आपने हर बार क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करते जाना है। ये मैंने दे दिया, अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू ऐड करना है, यानी ये वाला क्वेश्चन ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन के सेक्शन पर आएंगे, और क्वेश्चन के सेक्शन पर आने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जनाब थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो ये अभी हो जाएगा। ओके, सो यहां पर आने के बाद अब आपने सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहां पे देखें होम को हम ऐसे ही रख देंगे, क्वेश्चन नंबर टू को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, आपको थोड़ा सा ये लगेगा, ठीक है जी।
अब उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, लेकिन ये टाइटल मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, और ये इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे, बाद में इसको पॉइंट करेंगे। अब मान के चले कि मेरा जो यहाँ पर राइट क्वेश्चन है वो यस है, और उसके बाद मैं सारे नो नो करता हूँ ताकि टाइम बच जाए, भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई है। यस यस जो है ये हमारा राइट क्वेश्चन है, उसके आंसर है, उसके बाद ये तीनों जो है वो रॉन्ग है। तो मैं जो राइट आंसर है उसको मैं क्वेश्चन टू पे ऊपर लगा देता हूँ, और बाकी सारे होम होम पेज के ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने लगा दिया, अब आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपल अपडेट करना है, ठीक है जी। जैसे आप इसको अपडेट कर दोगे तो आपका ये वाला भी क्रिएट हो गया। मैं अब बैक आ जाता हूँ क्वेश्चन सेट के अंदर, और इसका जो शॉर्ट कोड है वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अब ये रेडी है। तो मैं इसका शॉर्ट कोड यहाँ से ले लेता हूँ, ये मैंने शॉर्ट कोड ले लिया, यहाँ पर मैं आया, ठीक है जी। यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, शॉर्ट कोड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोड पेस्ट करते हैं। इसके नीचे आप इसको डिजाइन करना चाहो, आप अपने हिसाब से इसको प्यारा डिजाइन कर सकते हो, प्लस के ऊपर क्लिक करते जाओ, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने क्वेश्चन टू लगा दिया, सिंपल इसको मैं यहाँ पर पब्लिश करता हूँ। अब जब ये क्वेश्चन टू आपका जैसे ही पब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस आप सिंपल इसको विजिट करो, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन टू का जो यूआरएल है ये आपने यहाँ से करना है कॉपी। उसके बाद आपको बेक आ जाना है। बेक आने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री था, आप यहाँ पर आ जाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन था, ठीक है, उसको हमने राइट क्वेश्चन को हमने पॉइंट रिडायरेक्शन डायरेक्शन हमने नहीं दिया है, यानी कि जब यूजर राइट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन वन के ऊपर बैक आ जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास क्वेश्चन टू का यूआरएल बन गया है, मैंने आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। तो मैं इस क्वेश्चन वन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर मैं इस यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि जब इस राइट क्वेश्चन के ऊपर आंसर के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। वेरी इजी। मैं इसको अपडेट करता हूं, और अपडेट करने के बाद यहां पर मैं इस आर्टिकल को जरा, जो मैंने अभी फर्स्ट वाला मेरा आर्टिकल है, क्वेश्चन वन है, ठीक है जी, जो स्टार्टिंग वाला है, उसको मैं जरा यहां पर आकर विजिट कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहां पर आ जाते हैं पोस्ट के सेक्शन पर, और पोस्ट के सेक्शन पर आने के बाद ये वाला था फर्स्ट वाला, ठीक है जी, क्वेश्चन वन। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखते जाओ, मैं इन दोनों को क्लोज करता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये स्टार्ट क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको पता है बेक जाऊंगा अपने होम पेज पर। लेकिन अगर मैं राइट क्वेश्चन के ऊपर इस तरह से क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने यार क्लिक, हाँ ये इस तरह से के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, यानी कि आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल की तरफ, ये देखिए सॉरी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जो राइट क्वेश्चन है मैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा, और उसका यूआरएल लेके मैं सेम इसी तरह से यहाँ पर आ जाऊंगा क्वेश्चन के सेक्शन में, सॉरी हाँ क्वेश्चन के सेक्शन पर आ जाऊंगा, क्वेश्चन टू सेलेक्ट कर दूंगा और उसको रिडायरेक्शन दे दूंगा। ये मैंने क्वेश्चन टू सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी, और थर्ड क्वेश्चन का यूआरएल यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। वेरी इजी है। अब अगर आप कहते हो कि मुझे समझ नहीं आई है, तो प्यारे भाई फिर लाइव में आके आपको समझा देंगे, कोई मसला नहीं है। मुझे मैसेज कर दो कि यार मुझे कोई समझ नहीं आया, मैं आपको लाइव में ही समझा दूंगा। तो इसके अंदर अब क्या होगा कि रिडायरेक्ट का जो यूआरएल है क्वेश्चन नंबर थ्री का, वो आप यहाँ पर दो, तो जो भी राइट के ऊपर राइट आंसर के ऊपर क्लिक करेगा वो क्वेश्चन थ्री के ऊपर जाएगा। अब आपने क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक सेटअप करना है। अब आप मान के चलो कि मेरा जो लास्ट लास्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक टाइमर ऐड करना है, आप 10 सेकंड का टाइमर ऐड करो, और उसके बाद हम यूजर को एक कोड शो करेंगे, और फिर थर्ड जो पार्ट नंबर थ्री होगा उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा वो कोड एज अ प्रूफ वो हमें देंगे, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि उसने क्विज को कंप्लीट किया है, इसलिए हम एक कोड उनको देंगे, और उस कोड को हम यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम देंगे, उसके बाद कोड उसको शो हो जाएगा, वो हमें कोड दे देंगे, तो हम उनको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ आपने काम कर दिया है। नाउ ये कोड आप आर्टिकल के लास्ट में कैसे ऐड करोगे, तो उसके लिए आपको सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद कोड एडिटर पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है आर्टिकल के लास्ट में, यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हो, एंड उसके बाद जो कोड मैं आपको दूंगा वो कोड आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। लेकिन एक बात आप नोट करो, ये कोड कुछ टीम्स के अंदर काम नहीं करता, तो अगर आपकी टीम में भी ये काम नहीं करता तो भाई आप सिंपल अपना टीम चेंज कर दो, ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर ये इस कोड का स्टार्ट है यहाँ से, ठीक है, और ये इस कोड का एंड है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, ठीक है जी, वेरी सिंपल है। यहाँ पर आपने सबसे पहले टाइमर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अगर आप 10 सेकंड करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे 10 सेकंड कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर ये जो यहाँ पे है ना, ये स्लैश आपने इसको ऐसे ही रखना है, इसको आप स्लैश रख दो, इसको आपने चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू आर्टिकल लिखा हुआ है ना,
यहां पर आप कोड दे देना, जैसे मैं यहाँ पे 6060 लिख देता हूँ, आप कोई भी कोड अपना खुफिया कोड यहाँ पर लगा सकते हो, जो भी कोड है 10 सेकेंड के बाद उसको कोड शो हो जाएगा और वो कोड वो आपको एज अ वेरिफिकेशन देगा, मैं आपको पार्ट 3 के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर देना है और इसके बाद आपने कुछ आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप कोड को ऐसे ही रखो, ये 2 चेंजेस है सिंपल, इसको अपडेट कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद जब आप इसको यहाँ पर विजिट कर दोगे, अब मेरे इस थीम के अंदर ये काम नहीं करता और क्योंकि ये मेन साइट है तो मैं इस थीम को चेंज करके आपको नहीं दिखा सकता, को नहीं दिखा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा, टाइमर यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि इस थीम के अंदर काम नहीं कर रहा। आप इसको अगर आपकी थीम के अंदर भी काम नहीं कर रहा तो आपको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूजर आ जाएगा उसको 10 सेकंड यहाँ पे वेट करना है, जहाँ पे जनरेटिंग कोड लिखा हुआ है यहाँ पे वो कोड शो हो जाएगा, उसको वो कोड कॉपी करना है और आपको दे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन ट्राई कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर भी मैं चेक कर लेता हूँ, अक्सर ये वहाँ पे काम भी नहीं करता जब आप अपने एज एडमिन वहाँ पे आप लॉग इन करते हो तो ये काम नहीं करता वहाँ पे। यहाँ पर भी मैं चेक कर लेता हूँ, इस थीम के अंदर ये काम नहीं करता, जो थीम मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर ये काम नहीं कर रहा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इस साइट के अंदर सेटअप किया हुआ है, ये देखे जनरेटिंग कोड के अंदर आप मैंने यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल लिखा हुआ था, तो ये देखे नेक्स्ट आर्टिकल आ गया। मैं इसको जरा रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूं, आपको लगेगा कि यार ये काम नहीं कर रहा। ये देखिए यहां पे मैंने 35 सेकंड्स का टाइमर लगाया हुआ है, ये टाइमर स्टार्ट है और उसके बाद यहां पे कोड आपको यूजर को शो हो जाएगा। तो वेरी इजी, ये था हमारा सेकंड पार्ट, इसके अंदर हमने क्विज क्रिएट करना कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने सीखा, और वो भी भाई अलग मेथड है, ठीक है। रॉन्ग के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वेबसाइट पर आएगा होम पेज पर, और राइट के ऊपर क्लिक करेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएगा। अब अपने हिसाब से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या जितने क्वेश्चन आप क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। ये प्लगइन्स आपको इस साइट पर मिल जाएंगे, अगर आप अभी तक वीडियो इसी यहां तक देख रहे हो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो पर कोई टारगेट नहीं है, आप अपने हिसाब से अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप कर देना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि $1000 का कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर मैं इसको पेड करता तो आप लोग खुद सोचे, मेरे हर एक कोर्स को 500 से 1000 लोग परचेस करते हैं, उस हिसाब से अगर मैं इसकी प्राइस $30 भी रखता तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्रॉफिट मुझे देता, और अब यूट्यूब में ये मुझे $100 भी कमा के नहीं दे सकता। बस इतना है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, मुझे कॉमेंट कर दोगे तो ये मेरे ये $1000 है और कुछ नहीं। मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।